हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको स्मार्ट कॉल सेटिंग बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की हिडन फीचर्स की वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं। सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से आपको डायलर में जाना होगा, और डायलर में जाने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको जाने के बाद यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से क्या होता है, कोई भी आप मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आप उसे क्विकली एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। कोई भी एक मैसेज आप यहाँ पर ले सकते हैं, आई विल कॉल यू राइट बैक। तो इस तरीके से इसे आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज करना चाहें आप तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, कट करके इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इसे बैक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से आपको जाना होगा नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको मिल जाती है कॉलर आईडी अनाउंसड। अगर आप इसे यहाँ से क्लिक करना है और अनाउंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑलवेज कर देंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपके पास कॉल आ रही है और आपके फ़ोन में वो नंबर सेव है तो ये आपका अनाउंस करके बता देता है किसकी कॉल आ रही है, किस नाम से कॉल आ रही है। तो ऑलवेज यहाँ से आप इसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर ओनली वेन यूजिंग हेडफोन, अगर आप केवल हेडफोन लगाए हुए हैं तब अनाउंस करें कॉलर आईडी, तो यहाँ से आप इसे कर देंगे तो केवल तब करेगा। बाकी आप यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद क्या होता है, आपके पास कोई भी कॉल आ रही है और आपने फ़ोन को उल्टा कर दिया एकदम से, तो आपकी इनकमिंग कॉल की जो रिंगटोन होती है वो बंद हो जाती है। यहाँ से आप इसे साइलेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल फंक्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट यहाँ से आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी पर, एक्सेसिबिलिटी पर जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना होगा नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है पावर बटन एंड कॉल्स। बाय द वे, आपका ये ऑन रहता है तो क्या होता है, आपके पावर बटन से कॉल कट हो जाती है, और आप ये अगर चाहते हैं पावर बटन से कॉल कट हो जाए तो आप इसे इनेबल रखें, वरना आप इसे डिसइनेबल भी कर सकते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।